बड़ी खबर आ रही है, चेतन आनंद आनंद मोहन दोनों ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। चेतन आनंद जो है वो आरजेडी के विधायक हैं। चेतन आनंद कल जब घर पर थे तेजस्वी यादव के, तब चेतन आनंद के भाई की तरफ से पुलिस में जाकर रपट लगा दी गई थी कि उनके भाई जो है वो लापता हो गए हैं। इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, तेजस्वी यादव कह रहे थे खेला तो होगा, अभी खेला बाकी है, ये खेला कहीं उल्टा तो नहीं पड़ने वाला है आरजेडी को? चेतन आनंद पिता के साथ मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। प्रकाश कुमार, चेतन आनंद आज सुबह में अपने माता पिता के साथ मिलने गए थे। दरअसल चेतन आनंद के भाई अंशुमान ने ये लिखित शिकायत की थी पुलिस में कि उनके भाई जो है वो स्ट्रेसलेस है, लापता है, उनके बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पा रही। तो इसे देखते हुए ही ये बातें कही जा रही थी। कल दो बार पुलिस गई थी तेजस्वी यादव के आवास पर, जहां पर उनके सारे विधायक रुके हुए थे, और फिर वहां से वो निकल कर रात में अपने घर चले गए थे, और आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री से मिलने चले गए। तो जाहिर है कि आज जब की विश्वास मत पेश करना है और स्पीकर के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव है और खेला करने का जो दावा किया जा रहा था, तो क्या चेतन आनंद अपने माता पिता के साथ, तो क्या उनके पिता आनंद मोहन जेडीयू की तरफ झुके हुए हैं और जेडीयू से उनका रिश्ता रहा है, ऐसे में क्या चेतन आनंद को संकेत दे रहे थे? हालांकि विधानसभा जब सत्र शुरू की शुरुआत हो हुई थी, उस समय में काफी हंगामा हुआ था शुरू होने से पहले ही, लेकिन अब राज्यपाल के अभिभाषण के बाद फिर से जब वापस बिल्डिंग में लोग बैठेंगे विधायक, तब जाके देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। बिल्कुल, और ऐसे में एक सवाल का जवाब और दीजिए प्रकाश कुमार, क्या जेडीयू के सभी विधायक 45 के 45 विधायक पहुंच गए विधानसभा? देखिए, अभी मैं खड़ा हूँ विधानसभा के मेन बिल्डिंग में और मुख्यमंत्री अपने चैम्बर में है, तो मैंने पीछे से देखा कि सुदर्शन जो विधायक नाराज चल रहे थे वो पहुंच गए हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए, उनसे मुलाकात हो रही है। और इसके जो और भी विधायक जिनके बारे में दावा किया जाए, संजीव सिंह, वो भी अभी तक पहुंचे नहीं है, लेकिन वो भी पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में विधायकों को लाया जा रहा है और जो असंतुष्ट थे वो भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, तो जाहिर है कि अब उनकी संख्या नहीं के बराबर है। आपने संजीव सिंह का कह दिया कि वो अभी पहुंचे नहीं है, सुदर्शन आपने कहा वो पहुंच गए। ABP News आपको रखे आगे।